जो देखी है यहाँ पे दुकानें लग रही हैं अभी धीरे धीरे, ये शोरूम्स वगैरह बन रहे हैं कारों के, पूरा फर्निश का काम है यार यहाँ पे। सबसे ज्यादा मेला का काम यही है कि उसमें फर्निश की दुकानें होती हैं और पूरा लाइटिंग का खेल होता है। तो यार जब भी आओ मेला को एंजॉय करना और उसकी चीजें बनावट है उन पर गौर करना। ओके कितनी कारें निकली यार। मेला में स्वागत है ग्वालियर के में, हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर के मेला में। तो यार आज बहुत ही ज्यादा हलचल मचाने वाले हैं क्योंकि हम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सीधे आठ लोग हैं भाई। तो आज मेला में काफी शानदार जश्न मनाया जाएगा हम लोगों के द्वारा क्योंकि आज इसका उद्घाटन हो रहा है और आज से ये शुरू हो रहा है। तो मेला की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए और ग्वालियर के मेला घूमने जरूर आए। ओके मिलते हैं। ये कार नहीं ले रहे थे, ये कार की ले रहे थे फिर की। क्या भाई साहब गैंग, एक पापड़ में साथ देने तेज दही पापड़ की कुत्ता वो हिलता है हिलाता है अपनी मुंडियों को बाकी नहीं उंगली करते उसी हिलता है। और जो पीछे लोग आ रहे हैं लगड़ बग के पता नहीं धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं और बवासी रह गई है लगता है हवाल कहता हूँ मैं मिंदे अरे बवासी रह गई है कथा है गई है लगता है तो कछु ऐसे ही है कासा से जा मोड़ा के हसकाय करो भाई आना पर चुपचाप चल जल्दी गौरव क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पर हमने बहुत सारी ट्रेनों का प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी क्या होता है? प्रदर्शन करने आए हो क्या कुछ यहाँ पे? यहाँ पे ओल्ड जैसे कि पुराने प्राचीन में जो ट्रेन वगैरह चलती थी उनकी जानकारी के लिए आए यहाँ पे। काफी अच्छी चीजें देखने को भी ट्रेन चलेंगी उनके बारे में भी। हाँ यहाँ पे पुरानी पुरानी चीजें देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कि सोनागिर पे जो अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से नीचे से भी ट्रेन जाती थी और ऊपर से भी, तो वो यार पॉइंट काफ़ी गजब था देखने लायक था। और जहाँ पे प्राचीन प्राचीन ये ट्रेनों के बारे में बताया गया है और जो छोटी ट्रेन थी उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ पे। एक बार आना जरूर यार, जब भी आए अच्छे से समझे। ओके गौर से क्या देख रहे हो? देख रहे प्रदर्शनी को देख रहे। कुछ फीडबैक चाहिए अपने अपने हिसाब से दे दे कुछ बोले अच्छा लगा। हाँ उसमें कुछ लिखना है तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं जो इन्होंने यहाँ का प्रोजेक्ट वगैरह इसके मतलब आगे के फ्यूचर के बारे में जो बताया उसके बारे में। ओके 7 तारीख तो याद करो। तो अभी अपन ने मैप देखा था बाहर
मतलब फ्यूचर का, तो ऐसा डिजाइन होगा आगे? बिल्कुल होगा, तभी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, उसी की प्लानिंग चल रही है। और जो स्टेशन पे एक प्रोजेक्ट रखा है इस समय, वो इसी का ही है? क्या प्रोजेक्ट है? बताने में झांसी का हूँ। अच्छा, झांसी के हो। अच्छा, तो मतलब आपके तौर से ऐसा होना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा डिजाइन भी है, ऐसा चल भी रहा है। सही है। और ये पुराने इंजन जो बंद हो रहे हैं, ऐसे बंद होना चाहिए इनको वैसे? जैसे कि पुरानी जो छोटी रेलगाड़ी चलती थी छोटे छोटे गाँव में, काफी अच्छा लगता था वो चलती थी, बट अभी इस समय बंद कर रहे, तो ऐसे बंद करना चाहिए उनको? आगे सब जो देखो क्या है, यहाँ पेंटिंग में जैसे मैंने बनाया है, देख रहा हूँ तुम्हें, हाँ ये वाली, ये मैंने बनाया है। हाँ, ये पहले क्या स्टीम इंजन होते थे। हाँ, फिर डेवलपमेंट और हुआ, क्या बेहतर होगा। हाँ, उसके बाद डीजल इंजन आया, पहले स्टीम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। हाँ, इलेक्ट्रिक चल रहा है इस समय करंट में, तो लगभग हमारी भारतीय रेलवे ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिक। नहीं, वो डेवलपमेंट करना वो एक तरफ से ठीक है, बट मतलब ऐसे जो पुराने अपनी प्राचीन जो धरोहर है उसको बदलना ना कर रहे हैं लोग, म्यूजियम में रखे जाएंगे वो। अच्छा, ये है ना। चलो, ओके, थैंक यू सर। देखिए, बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो दोस्तों? हाँ, अभी थोड़ा मेला वगैरह घूमना था मुझे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कजेरा कावे। कावे से कावे जल्दी।
हट गई। कह रहे गौरव क्या कर रहा है? पता नहीं का है? कजला 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 है क्या? कजला कजला ठीक है। अबे पाव ये कर क्या? दो प्लेट लेने दे भाव मिला के पोल एंजॉय कर रहे हैं। कजला खा के और पाव भाजी खा के वो का बोल दो भाई। मुझे नहीं पता क्या बोलते भाई। मैं बता तो रहा हूँ मैंने कहीं आया ऑर्डर दस गई नहीं तो ऑर्डर ही ना पता कौन देगा पैसा कौन देगा पैसा ऑर्डर भी ना पता तो दे पैसा तो क्या बना रहे हो क्या है? खजला खा कुछ ऐसा खजा खजा मुँह क्यों बना रहे हो? खजला खजला तो ये सूट करता है क्यों? ये तो उंगली चाट रहा है। ये देख कह रहे मैं तो चेरी खा रहा था। चेरी नहीं अब तो तू बेटा आगे कछु तो गड़बड़ है। हम लोग चेरी खा रहे हैं। चेरी हो जा वाले उंगली चाट रहे वो चेरी का। अरे तो आप तो खराब होंगे ना उससे। तो यहाँ को यही है तुम दोनों की ज्यादा गट्टे चल रही है बढ़िया। तो हम लोगों ने पूरा मेला घूम लिया है। अभी घर की ओर निकलते हैं। ये भाई साहब ज्ञान देंगे दो चार लोग अपने अपने बारे में। मतलब कैसा कैसा इन्हें एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन ले लिया। फोटो तो ले लो यार। अरे फोटो का क्या जरूरत है? ठीक है बहुत है। क्यों लेने दो मेले में। गौरव भाई बताओ ना कैसा लगा मेला? बड़े मेला में बा में बड़े झूला में गए तो क्या लगा? बड़े झूला में गए तो क्या लगा? आ गया बहुत बढ़िया। झूले में बहुत बढ़िया। भाई को कैसा लगा झूला? इनने तो झूला झूला ही नहीं पूछा ही नहीं। बहुत बढ़िया। कह रहे देख रहे भाई कैसे है? भाई साहब ये वाले भैया एकदम अच्छे हैं। चश्मा वाले भैया ने मुंडी पलट ली क्यों? अरे पीके कहाँ पे खड़ा हुआ? कैसा लगा भाई मिला घूम के? बहुत बढ़िया लगा। और बहुत ही अति सुंदर। कुछ खरीदा? नहीं। कुछ खाया? हाँ। क्या? ब्रेड पकौड़ा। और उसके अलावा? और उसके अलावा मैंने खजेला खाया। खजेला कैसा लगा भाई? टेस्ट तो बताओ। टेस्ट बहुत बढ़िया था। पहली बार था इतना मजा नहीं है। और रेट? रेट बहुत ज्यादा हाई था। कितना? 100 रुपए का एक था पूरा। हम लोगों ने हाफ मंगाया था। हाफ में 49 का पड़ गया था। अभी 49 ओनली रेट थी उसकी। ओके तो आज के लिए इतना काफी है। काफी एंजॉय है और मिला में अभी शुरुआत ही है। शुरुआत में काफी इंटरेस्टिंग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो आप लोग आने यार। जब तक आप आओगे शायद उससे भी ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा आपको जो अभी है उससे भी ज्यादा। तो बाय गुड नाइट।